और ये अंदर से तस्वीरें आ रही हैं, जरा मंदिर के अंदर से हम दर्शकों को दिखा दें। बिल्कुल सोमनाथ मंदिर के अंदर ये देखिए किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी है और बाबा के दर्शन पूजन कर रहे हैं और विधिवत पूजा अर्चना किया जा रहा है और वहां पर पुजारी मौजूद हैं। मंत्रोच्चार के बीच विधिवत ये पुष्प अर्पित फूल चढ़ा रहे हैं, बेलपत्र है मौजूदगी, सब कुछ, चूंकि भोले बाबा में, भगवान शंकर में, शिव में बहुत आस्था है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। अक्सर आप देखते हैं उन्हें कभी केदारनाथ, कभी बद्रीनाथ, इसके पहले कहीं भी आप कह लीजिए, काशी में कल भी उनकी मौजूदगी थी और आज अभी आप देख रहे हैं सोमनाथ मंदिर में। अक्सर जब भी उनको मौका मिलता है वो नेपाल से लेकर हर जगह वो पहुंच जाते हैं, बाबा भोलेनाथ की जहां पर भी मौजूदगी है उस मंदिर में जाते हैं, दर्शन पूजन करते हैं। और आज तो चुनावी सुपर संडे माना जा रहा है गुजरात के लिए और इसकी शुरुआत देखिए कितने भव्य तरीके से प्रधानमंत्री कर रहे हैं, हम सुनते हैं। ओम गंधर्वत्वा विश्वा वसुः परिदधातु विश्वस्यारिषे यजमानस्य परिधिरश्चग्निरिड एनितः भवानी शंकराय ज्योतिर्लिंगाय सुमनाय नमः गंधोदक स्नानं समर्पयामि। ओम अघोषुलाय अघोषोगच्छतां वरुणा वरो गन्धसे वरोधमा तदत्वा वासोऽग्ने विश्वरूपकोशं व्ययस्वभिभावसो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी है सोमनाथ मंदिर में। किस तरह से विधिवत पूजा पाठ कर रहे हैं और पहले दूध, शहद, हल्दी, चंदन, तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जलाभिषेक, तो जलाभिषेक भी कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इसके पहले आपको हम दिखा रहे हैं कि जलाभिषेक के साथ साथ उसके बाद से दूध से अभिषेक कर रहे हैं, शहद से अभिषेक कर रहे हैं, हल्दी चंदन से अभिषेक कर रहे हैं, दही से अभिषेक कर रहे हैं, जो भी विधिवत एक हिंदू रीति रिवाज परंपरा होती है। ये तस्वीरें देख सकते हैं आप, चूंकि अगाध आस्था है भगवान भोलेनाथ के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और हमेशा वो पहुंच जाते हैं। देखिए अभी सोमनाथ मंदिर में पहुंचे हुए हैं और वहां पर पूजा अर्चना की ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं और वह तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। और इसके बाद से उनके कई रैलियां हैं, जनसभा हैं। आज गुजरात में प्रधानमंत्री की 4 रैलियां हैं जहां पर संबोधित करने का कार्यक्रम है और उसके लिए पूरी भव्य तैयारी है, लाखों लोग पहुंच रहे हैं उन रैलियों में। वहीं गृह मंत्री अमित शाह की भी 2 जनसभाएं हैं, लेकिन ये उसके पहले दिन की शुरुआत भगवान शंकर के दरबार में सोमनाथ मंदिर में पहुंचे हुए हैं पीएम नरेंद्र मोदी। उसके पहले पुजारियों से मुलाकात हुई और सभी का अभिवादन, लेकिन अब ये तस्वीर देखिए पूजा अर्चना की। एक बार हम चाहेंगे कि अंदर के जो मंत्रोच्चार है वो ध्वनि नरेंद्र मोदी ने जिस तरह की बात की है, हम किसी भी राज्य की अगर बात करें, ओम घटम घट बाबानः विपदं वरप्रदा बाबानः विपदान्तरिक्षस्य हविरसि स्वाहा प्रदिश आदिशो विदिशं दिशादिभ्यः स्वाहा। ओं मधुपादारिणायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः मावेर्नादन्दोषधे मधुरकमुदभसो मधुर्वार्दिवग्भोरजः मधुद्यौरस्वनः विना मधुमानो वनपदे मधुमां कर्तुमूर्जः आविर्गावो भवन् अभिषेक के बाद अंग वस्त्रम पहना रहे हैं
भगवान शिव को चढ़ा रहे हैं, वस्त्र धारण करा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब पुष्प अर्पित माल्यार्पण कर रहे हैं। ओम गंधर्व स्वा विश्वा वसु परि ददातु विश्वस्यारिषे यजमानस्य परिधिरश्यग्निरिड ईरितः भवानी शंकराय ज्योतिर्लिंगाय सुन्दराय नमः गंधोदक स्नानं समर्पयामि। ओम गोरुलाय अर्गो लोकचदंबरुगा परो गंधसे स्वपरोधमा तदत्वः वासोऽग्ने विश्वरू रखते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह की बात की है, हम किसी भी राज्य की अगर हम बात कर लें, तो प्रधानमंत्री जलाभिषेक का किया जा रहा है यहाँ पर प्रधानमंत्री हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह की बात की है, हम किसी भी राज्य की अगर हम बात कर लें, तो देखिए जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक और माल्यार्पण, अंगवस्त्रम, सब कुछ हिंदू रीति रिवाज परंपरा के मुताबिक आगाध आस्था रखते हैं भगवान भोलेनाथ में। और वही तस्वीरें नजर आ रही हैं सोमनाथ मंदिर से। आपको बता दें, इसके पहले आखिरी बार प्रधानमंत्री 2017 में यहां पर पहुंचे थे और दर्शन करने के बाद अब चार राज्यों में चार रैलियों को संबोधित करने का कार्यक्रम है।